के अस्पतालों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के इंतजामिया ने संघ दिल्ली का मुजाहिरा करते हुए नए इमरजेंसी ब्लॉक में नस एंजियोग्राफी मशीन को ताले लगा दिए हैं। प्राइमरी एंजियोग्राफी मशीन के बंदी से दिल के मरीजों की जिंदगी दांव पर लग गई। इसी पर बात करते हैं जाहिद चौधरी से। जाहिद चौधरी, कुछ पता चल सका एंजियोग्राफी मशीन को ताले क्यों लगाए गए? जी, ये पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में 55 करोड़ रुपए का जो अतिया है उससे ये नया इमरजेंसी ब्लॉक जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज का हामिल है, ये तामीर किया गया था। फ्रेंड्स ऑफ पीआईसी की जानिब से इसको तामीर किया गया और इसमें जदीद एंजियोग्राफी मशीन भी नसब की गई। 4 माह गुजर चुके, अभी तक सिर्फ 125 एंजियोग्राफी और 45 एंजियोप्लास्टी जो है प्राइमरी एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर जो है वो यहाँ पे किए गए। ये एंजियोग्राफी मशीन जो है वो नसब करने का मकसद यहाँ पे आने वाले जो हार्ट अटैक के मरीज हैं। ठीक है, जाहिद चौधरी, आपका शुक्रिया।